दोस्तों मैं मोबाइल का स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप लोग अगर डिवाइस एमुलेटर प्रो को इन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको पहले डाउनलोड करके आप लोग अपना मोबाइल पे डाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग जहाँ पे रखा है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप लोग उसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों डिवाइस एमुलेटर प्रो जो है वो इंस्टॉल हो गया है। मैं अभी इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल इज डिजेबल इन एक्सबॉक्स। तो दोस्तों इसको इनेबल करने के लिए आप लोग को यहाँ से बैक जाना है। बैक जाके दोस्तों आप लोग ईडी एक्सबॉक्स मैनेजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों मॉड्यूल जो है उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको आप लोग इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से फिर से बैक जाइए। बैक जाने के बाद दोस्तों आप लोग डिवाइस एमुलेटर प्रो को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग जितना ऑप्शन चाहिए आप लोग को गेम उम खेलने के लिए जो जो ऑप्शन का जरूरत है आप लोग इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल को मस्ट भी एक बार रिबूट करना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डिवाइस एमुलेटर प्रो जो है वो इनेबल हो गया है। अभी दोस्तों आपका मोबाइल को मस्ट भी एक बार रिबूट कर दीजिए, आपका डिवाइस एमुलेटर प्रो प्रॉपरली काम करेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग रेडमी नोट 7 प्रो में डिवाइस एमुलेटर को इंस्टॉल करके आप लोग इसको भी एक्टिव कर सकते हैं।